फिर खैर खरीयत दरूदे पाक पढ़िए। अज है जी 24 रोजा ते माड़ा 24 व्लाग। तुसा सारे दोस्तों ने सपोर्ट में बहुत बहुत शुक्रिया। ते जी गल ऐसी कि जी अज मैं शामी आ रहा सा अपने ग्रां सू शहर दर शहर मिगी से दो त्रै कम ते मैं है जी इस उपर बिल्कुल निपटाई छा। जिस तरह के मैं दर्जिया को कपड़े चाने से ते और दो त्रै कम से मैं है जल्दी जल्दी निपटाई गिना। वैसे ईद इस बारी नसीब हो सी कोई मुश्किल ही लगना पाया क्या कि कणक की हथ वगैरह ले गए इतवारे बारिश भी दसी ने रोला। खैर मैं आया सा शहर दर ते असा ने शहर तहसील कोटे बिच एक नया कॉलेज बनता ला कॉलेज ते उन्होंने तरफों मिगी दावत आई कि भाई जान अज की डेट बिच तुसा अफतारी असा दर करे आवे। ते मैं आया चलो मैं शहर दर आया वहां ते दूई गल के एक कॉलेज बनता नया नया ते मैं उत्थे गया सा उसने ब्लॉग बना सा जेड़े दोस्त हूँ तक सन माड़े शहर ने या बाद कराए तक सन उन्होंने पता लगा कि जी असने शहर बिच लाह कॉलेज थे क्या कि असने इलाके पहलू लाह कॉलेज नहीं सा अवाम जी मतलब इस फील्ड में गशना चाहनी उन्होंने दुए शहर गशना पैना सा ते असने शायद तहसील कोटे नया ओपन हुआ लाह कॉलेज। मैं जी चलो इसे बने इतने अफतारी भी करी सा और यह कि मैं इस लाह कॉलेज ना ब्लॉग भी बनाई गई सा उतने जे टीचर से जो स्टूडेंट वगैरह मैं उन्होंने मुलाकात करी गई सा। तो इस वे टाइम अजी सहरी ना सहरी वगैरह उन्हें करी रहे अजाना वेट करना पे नमाज वगैरह पढ़ी सही रह सा फिर दिहाड़ी उठी जेडे जेडे काम है वो कर सा फिर इंशाल्लाह उस बाद ला कॉलेज अफतारी कर सा ते नाल नाल तुसां दोस्तां की दसा। अल्लाह हाफिज़। गुड आफ्टरनून विद अंत अहीर तुप एंड की सामने तुप्पी आने में छत पर कपड़े लाने गया यकीन करो कोई माड़े जिसमें थोड़ा जहा तेल मली छोड़ना तो माड़ा उत्थे कोड़ा बनी गया शायद कम हो गया सी अज का। चलो अज कि ग्राएं का सफर आके और धूड़े चुद गया सा अज भी इतें ही हाँ तो हूँ मैं नमाज पढ़ा कपड़े इस्त्री करी बाजार थोड़ा जहा कम आ वो करी तो फिर इंशाल्लाह मंजिल पर अज मतलब जिते अफतारी है। हूँ जी पहले जलो मैं ए टी एम गई थोड़े जी पैसे कटाने जैसे कि तुम्हें पता माड़े बड़े पापू दुबई होने पर पैसे माड़े तो नहीं क्या कि मैं तो सोशल मीडिया पर लखा कमाना पता नहीं कुछ पात पट्टी खैर फिर उस बाद दो त्रै होर काम है और जैसे तुम्हें पता है कि माड़ा कुत्ता बीमार आए पता नहीं उसका क्या हाल उसी कॉल करी पूछना फिर आ कि उस दवाई वगैरह किन्नी दवाई वगैरह किन्नी उस बाद एक दोस्त मैं बुलाया वा तखना अगर वह आ रहा तो फिर गठे निकल सा नहीं तो मैं कला ही पै जुगिया बाजार पर वो माड़ा ATM कुछ आ मैं आई टी कार्ड बाई टुरी पे और मोटरसाइकिल चाबी कुछ ही है इसलिए पहलू मैं अपने शहर तहसील कोटे ने खाने वाली मशहूर चीज़ दसी सी रेमान जलेबी तो इस बिल्कुल फेमस आ आबा चाट। आबा चाट है कि अवाम इतने कोटे नहीं अवाम या और जो अच्छे दोस्त वगैरह वो बड़ा पसंद करने इसकी ते आज मैं आया मैं तो गुजरवा मैं तुसें कि इस तरह दसना तो इंशाल्लाह करा इस स्पेशल वीडियो बनाई तुम दोस्तों शेयर जरूर करता। पीरे तरीकत रहबरे शरीयत पीर हदूद मौलाना साबरी चिश्ती शानी जी है शानी जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल शानी जी तरतीब जो है कि असा कृष्णा ला काली ते तुसा मोटरसाइकिल इस तरह चलाना के एक बार मड़ा इधर सु इधर ना मैं ओके आ जाओ अब्दुल्ला साहब क्या हाल है
ਲਾ ਕਾਲਜ ਕਹੋਟਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਰਾਸ਼ਨੀ ਆ ਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣੇ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਰਾਤੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜੋ ਸਾਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂ ਦੂਆ ਇਸ ਵਲਾਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਚਾਹੀ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਕਾਲਜ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਇਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਸਾਂ ਲਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋ ਰੋਡ ਗਸ਼ਨੀ ਇਹ ਗਸ਼ਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੜ ਪੰਚਪੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਤਨ ਅਤੇ ਰਾਵਲਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨਾ ਜੀ ਲਤਰਾੜ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲਾ ਖਡਿਓਟ ਕੇਰਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂ ਵੀ ਬੂਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੱਕਿਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੂਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨੜ ਪੰਚਪੀਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਾੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਤੱਕਣੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਤੱਕਣੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਲਕਿ ਆ ਕਿ ਨੜ ਪੰਚਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਅਵਾਮ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਅਵਾਮ ਉਸਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲੱਭੀ ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਗੈਸਾਂ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਕਿੰਨੇ ਆ ਲਾ ਕਾਲੀ ਨੇ ਲਾ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਆ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਕਾਲੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾ ਕਾਲੀ السلام علیکم محترم کیا حال ہے جی وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء एक अदारा ऐसा बना जा रहा है कि जो अलीगढ़ के बाद अलीगढ़ काल के बाद वो छोटी सी इमारत में बना था लेकिन एक बड़ी सारी इमारत में बना और ये अदारा जिस तरीके से इसने एक साल के अंदर उठान की है तो मुझे यकीन हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये काफी आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ इस मौके से फायदा उठाते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इंतहाई रहमत वाला बरकत वाला और मगफिरत का मुइदा लेकर आने वाला माह मुकद्दस चंद दिनों में हमसे जुदा हो रहा है। यकीनन ये मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक ऐसा रिफ्रेशर कोर्स है कि अल्लाह उसके असरात को अगले आने वाले 11 महीनों में देखना चाहता है। और हजरात अगर ईद उल फित्र की अदायगी के बाद हम ये महसूस करें कि हमारे अंदर कोई इनकलाब आया है, हमारे कल्ब नजर के जाविये बदले, हमारी फिक्र में
और सोच में तब्दीली आई है। हमारे अमाल वो नहीं हैं जो माह रमजान से पहले हुआ करते थे, तो यूं समझ लीजिए कि आपने रमजान का हक अदा किया है और वो मतलूब और मकसूद पा लिया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं, जो अल्लाह का मकसूद है, जो अल्लाह का मतलूब है। वो खुशबख्त उम्मत है, वो बेदार बख्त उम्मत है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब का महबत करार दिया है, इस किताब का मुखातिब करार दिया है। लेकिन ये किताब ताकों में सजाने के लिए नहीं, ये सिर्फ बीमारियों के इजाले के लिए, दम के लिए और तावीज के लिए नहीं, ये अवामिर और नवाही का मजमुआ है। इसमें वो अहकाम हैं कि अल्लाह ने फरमाया उन पर अमल करोगे कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे असलाफ ने इस कुरान पर अमल करके सारी दुनिया में अपना सिक्का बिठाया। इकबाल के शिकवा के कुछ अशआर मुझे अचानक याद आए, मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। इकबाल कहता है शिकवा में अल्लाह से मुखातिब होकर कि सफाए हस्ती से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने और तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने। लेकिन जवाब शिकवा सुनिए और फिर मैं और आप अपने गरीबानों में झांकें। आज ये मौका है, रमजान हमसे रुखसत हो रहा है, हमसे तौबा और इस्तिग़फ़ार का तकाजा कर रहा है। इकबाल कहता है सफाए हस्ती से बातिल को मिटाया किसने और नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने और मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। और जवाब देता है रब्बुल आलमीन, फरमाया कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ डरे मुंतजिर फरदा हो। मैं इस जवाब शिकवा का आखिरी शेर आपकी नजर करके आपसे इजाजत चाहता हूं। इकबाल ने उन सारी बातों का निचोड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस पैगाम में मुझे दिया, आपको दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को दिया। फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। इकबाल खुदा की आवाज बनकर कहता है, इकबाल अपना नहीं खुदा का पैगाम दे रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सर भाई इन्हों रोजा खुला नहीं मेरा खाई गचो असन शानी भाई उ जलेबी चाहिए ते इधर जी शीरे आले हाथ चटो ले थे, फिर मैंने याद कराया कि नहीं ले रहेगी। Thank you.
पहल तो सबसे पहले जी शुक्रिया इन्होंने सारियां ला काली जल जिन्हें दावत दी। दूसरी गल मैं आखना कि मैं ला काली ने सुनना नहीं रखा इन्हें जिस तरीके ड्यूटी दी कि इन्हें आपू रोजे रखे से चेहरा आना फिर उस बाद पानिया नहीं खाने नहीं चाह नहीं जड़ी भी मतलब इन्हें ड्यूटी सारी इन्हें दी सी इन्हें सारे बड़े बखूबी तरीके निभाई इन सारे भाई इन्होंने कैमरे मारो ये सारे अपने अपनी ड्यूटी दसन जब सो मिक्स हो काम किया बहुत शुक्रिया गुलाबी कलर दिल जिसमें थोड़े सितारे चुके